दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एएसआई के जो अधिकारी है वो अंदर मौजूद है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में कहा है, और ये बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है इस पूरे मामले की सुनवाई में कि आप हाई कोर्ट चले जाएं, अगर जिला अदालत ने कोई फैसला दिया है तो आप सुप्रीम कोर्ट में ना आए, बल्कि एएसआई सर्वे पर रोक के लिए आप उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। और ये बड़ी खबर इस वक्त की, एक तस्वीर और एक खबर जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, ज्ञानवापी परिसर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो रहा है, पुरातात्विक सर्वेक्षण हो रहा है कोर्ट के आदेश के बाद। लेकिन ऐसे में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कि सर्वे रोक दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप हाई कोर्ट जाइए। बिल्कुल, तो देखिए इस वक्त ये बड़ा झटका हम कह सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का जो है लगातार इस सर्वे का विरोध कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया है कि आप हाई कोर्ट का रुख करें। जो मांग उनकी तरफ से की जा रही है, रोक की मांग इस पूरे एएसआई सर्वे की, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर अब मुस्लिम पक्षकार को यह कहा गया है कि वो हाई कोर्ट का रुख करें। देखिए लगातार यही कहा जा रहा था कि तस्वीर कैसे साफ होगी। अमित पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए हम जुड़ रहे हैं। अमित पांडे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ साफ तौर पर कहा गया? देखिए मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि हमें एक हफ्ते तक के इस आदेश पर रोक लगानी चाहिए। उस पर सुप्रीम कोर्ट का अभी प्राइमरी रुख, अभी जो शुरुआती रुख ये आ रहा है कि आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते। तो अपनी अपनी दलीलें मुस्लिम पक्ष यहां पर दे रहा है कोर्ट के सामने कि केवल ओरल एविडेंस के आधार पर एएसआई के सर्वे का जो आदेश स्थानीय अदालत ने दिया है वह सही नहीं है। और इसके बाद अब जो मुस्लिम पक्ष ने बताया है कि एएसआई ने खुदाई शुरू कर दी है पश्चिमी दीवार के समक्ष, इसका मतलब कि सर्वे का काम यहाँ पर शुरू हो गया है। तो ये सारी दलीलें मुस्लिम पक्ष पर सुप्रीम कोर्ट के सामने दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जो स्थानीय अदालत का जो आदेश था वो ठीक नहीं है। और अब जो जो चीजें आई हैं उन्होंने कहा है कि हम इस मामले की सुनवाई करेंगे और इस मामले की अभी ये सुनवाई जारी है। अपने अपने तरीके से मुस्लिम पक्षकार अदालत में अपना पक्ष रख रहे हैं। और जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार का सवाल है तो उन्होंने कहा था पिछली बार जो ये मामला शिवलिंग का था उससे अलग है ये मामला, और एएसआई ने जो के सर्वे से जुड़ा मामला है, लिहाजा अदालत ने जो आदेश दिया है वो पालन हो रहा है। यानी अमित ये बड़ी खबर है ज्ञानवापी परिसर में सर्वे से जुड़ी, क्या यह माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मुस्लिम पक्ष को नहीं मिली है, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि सर्वे पर तुरंत रोक लगाई जाए, उन्हें वक्त दिया जाए, क्या यह मुस्लिम पक्ष के लिए एक बड़ा झटका है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए अभी इस मामले की सुनवाई चल रही है, अदालत ने पहली चीज कहा कि अगर आपको आपत्ति है तो आप हाई कोर्ट जाइए। इस पर मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि तुरंत सर्वे का काम शुरू हो गया, हमें राहत चाहिए, हम इसीलिए आपके पास आए हैं। और उसके बाद स्थानीय कोर्ट के ऑर्डर का ये जिक्र हो रहा है, कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, चीफ जस्टिस के समक्ष इस पूरे मामले की सुनवाई यहाँ पर चल रही है। तो एक एक कर फैक्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट किए जा रहे हैं, अब ये देखना होगा कि अदालत इन दलीलों के बाद क्या रुख अपनाता है। बिल्कुल, तो देखिए शुरुआती तौर पर, क्योंकि देखिए अभी भी सुनवाई जारी है, मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष जो है वो लगातार अपनी अपनी दलीलें सामने रख रहे हैं, लेकिन प्राइमरली जो सबसे पहले दलील जो है मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये रखी गई कि आप हमें वक्त दे एएसआई का सर्वे जो है वो रोक दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि आप हाईकोर्ट इस पूरे मामले में क्यों नहीं जाते। अमित, अभी फिलहाल सुनवाई जा रही है, हिंदू पक्ष कब तक अपनी दलीलें रखेगा? क्या पहले मुस्लिम पक्ष अपनी सारी दलीलें रख रहा है? दलील रख रहे हैं और उनकी ओर से जो वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के वो इस मामले में जो है वो जानकारी दे रहे हैं। तो एक एक करके वो सारी चीजें यहाँ पर बता रहे हैं। उनका कहना है कि बिना समय दिए सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हाईकोर्ट जाइए। फिर मुस्लिम पक्षकारों ने कहा कि लेकिन जो परिसर है उसमें सर्वे शुरू कर दिया गया, और मुस्लिम पक्ष ने निचली अदालत के आदेश को पूरे सिलसिलेवार तरीके से पढ़ा जिस पर एएसआई का आदेश दिया गया था। तो इस पर हिंदू पक्ष ने कहा कि सर्वे से कुछ डैमेज नहीं होगा, सर्वे तो एक जो प्रोसीजरल चीज है वो चीज होगी। फिर उसके बाद सीजीआई ने पूछा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि सर्वे का काम कर रही है वो उस वक्त क्या कर रही है, क्या एएसआई खुदाई कर रही है? तो इस पर यूपी सरकार के जो वकील हैं एसजी तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि पिछले मामले और इस मामले में अंतर है, और उस समय कथित शिवलिंग का मामला था। तो सीजीआई ने यह कहा है कि हम ये सोच रहे हैं कि एएसआई कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे स्थिति
पर वहाँ अवरोध उत्पन्न हो, स्थिति वहाँ पर खराब हो, तो मुस्लिम पक्ष की यह अदालत से साफ तौर पर मांग की गई कि एक हफ्ते तक इस आदेश पर रोक लगाई जाए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 11:15 बजे, देखिए अभी बड़ी खबर आ रही है कि 11:15 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एएसआई किस तरीके से काम कर रही है। देखिए मुस्लिम पक्षकार जो कि इसने कोर्ट को अप्रोच किया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 15 मिनट के भीतर यानी 11:15 बजे तक यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट को ये सूचित करे कि एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस तरीके से काम कर रही है। ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एएसआई है उससे कहा है कि यूपी सरकार है उससे कहा कि एएसआई के बारे में बताए कि किस तरीके से काम चल रहा है, कैसे ये पूरी प्रक्रिया कर रही है। तो ये बड़ी खबर आ रही है।